कांकेर में नियम विरुद्ध तरीके से की गई पदोन्नति के विरोध में अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन आरक्षित वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसलिए उनकी मांग है कि जब तक उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है, तब तक आरक्षित रिक्त पदों को ना भरा जाए और नियम विरुद्ध की गई पदोन्नति को निरस्त कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, हम लोग लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और सर्व संगठन हमारा दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि आप जब तक पदोन्नति में आरक्षण नहीं दे रहे हैं या दे भी रहे हैं तो उतना पद हमको रोक करके पदोन्नति जारी रखें, लेकिन सरकार इस बात को सुन नहीं रही है, सरकार मान नहीं रही है। इसीलिए चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी की गई है। संगठन बहुत उग्र है, संगठन ये चाहता है कि भाई अगले दिनों से मांग करते आया है कि हमारा पदोन्नति में जो संवैधानिक अधिकार है उसको आप क्यों वंचित कर रहे हैं। हमको हमारा जायज मांग है, संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है उनका प्रयोग करते हुए शासन प्रशासन को मानना चाहिए कि जहां भी पदोन्नति होती है एसटी को अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए। देखिए, हम लोग